अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? तो अज की कहानी बड़ी इंट्रस्टिड होने वाली है, तो जरा पूरी जरूर सुनया करो यार। जंगल दे विच ना बहुत सारे बंदर रहिंदे हुंदे आ, ते बंदर काफ़ी स्याणे हुंदे ने, उम्र दे हुंदे ने। तो दो बंदर जिहड़े ने ना वो बच्चे हुंदे आ, ते बहुत ज़्यादा शरारती हुंदे आ। तो उन्हां दा वालदैन भी जिहड़ा ना बंदरां दा, उन्हां तों बड़े परेशान उन्हां दीआं शरारतां तों, कि आए दिन कोई ना कोई लामा लै रहिंदे। एक दिन ना इस तरह ही उत्ते फल खा रहे थे ना, अचानक जराफा आ गया। जराफा जिस टाइम आया ना, तो अचानक एक नज़र पई छोटे बंदर दी, तो उन्हें दूजे नाल दिन कहा भी यह कि शाय वाई पहली बार देखी है, क्योंकि जो दे जमे पड़े सन कि उन्होंने जराफा देखा ही नहीं सी, ना दूसरे जानवर से, वो अपना ही उत्थे उन्नी की जगह पर ग्रुप से उन्होंने, तो वो आपस में ही रेंदे सन। तो जराफा देखे ना तो उन्हें मजाक उड़ाने लगे, वह आह कि शाय एड्डी लम्मी हो, गर्दन किधर नू जाती, तुम्हें पैर किधर नू जाते। तो उन्हें ना एक शरारत सूझी, तो उन्हें ना फल मारे उन्दे, तो उन्दे जाके गलते लगा, तो फल जिहड़ा सी फिस गया, तो कुछ उन्दा जिहड़ा जूस सीगा उन्दे ना गलते सारा फैल गया। तो जराफे ने देखा उन्दे अल, तो बड़ा ना गुस्से नाल जराफा, तो वह ना अगों बोले कौन भाई तू, तो एडा लम्मा किवें? तो यार वो कहता कि मैं जराफा है। तो उन्हें कहा अच्छा, उन्हें कहा पहली बार तेन देखा इतने, अगे तो कदे नहीं तेन देखा इतने। उन्हें आख्या मैं अज ही पहली बार इधर आया वहाँ। तो जराफा बोलिया मेरे नाल दोस्ती करोगे? वो कहता जा ढंग गया जहाँ तेरे दोस्ती करांगे, तू एडा लम्मा चौड़ा जहा, ना कोई तेरी गर्दन पता नहीं किधर जा रही है, ना कोई तेरी शक्ल ना सूरत, उत्तों मूँह छोटा जहा, एडा लम्मा लत्तां तेरियां जिवें पौड़ी लमकाई हुंदी है। तो बड़ा उहदा ना मजाक उड़ाया, तो जिहड़ा जराफा सी बड़ा मायूस होया तो चला गया। अगले दिन बंदरां ने सलाह की कि यार अज जिहड़ा ना आपां किते दूर निकलना हैगा, जंगल दे विच सारा जंगल का मज़ा लैना, किड्डा गा जंगल। तो माँ प्यो नूं उन्होंने ना दस्या, सवखते तां चल पए जंगल नूं, दूर निकल गए। एक नदी आई, तो कोई दरख्त सी उत्थे, ना अंबा का दरख्त के उत्ते चढ़ के ना खाण लग पे, इंजॉय कर लग पे, बड़ा मज़ा आ रहा, ठंडी ठंडी हवा वग रही। तो गर्मी का मौसम हो, थले ना नदी के नाल एक जड़ा है ना शेर सुता पाया, उन्होंने नहीं पता लगा शेर भी सुता है, तो वह उत्ते आपके मज़े नाल खा रहे हैं। तो अचानक ना मक्खियां ने तंग किया, तो शेर उठ पाया, शेर उठा ना, तो एक भी नज़र पी, उन्हें कहा कि है, उन्होंने नहीं पता भी ये शेर है, क्योंकि हले बच्चे सन नवे नवे जवान हुए थे, उन्होंने जंगल तो फिरया ही नहीं। तो वो एक फिर शरारत सूझी, उन्हें ना अंब मारिया सीधा रख के, उन्हें वजह नक्क ते वह भी फट गया अंब, गिटक वजी बड़ी जोर दी, तो बड़ा गुस्सा चढ़िया शेर नूं, शेर ने ना हल्का जिहा ताड़िया, तो जान तो उन्हां दी उदों ही निकल गई भी इह की शाया होई। फिर शेर ने थोड़ा इगनोर किया भी चल कोई नहीं, उठाया तो है, फिर एक दूजे नूं सूझी, तो दूजे ने फिर मारिया शेर नूं, बहुत गुस्सा चढ़िया उन्हें पूरे जोबन च फिर ताड़िया ना, तो फिर एक दो नूं जफ्फियां पाउंदे फिर डर गए भी बस हुण आ गई साडी। उन्हें ना फिर पिछे हट के ना छलांग मारी ना, तो बस अवे थोड़ा जहा रह गया कि उत्ते फटन वास्ते, क्योंकि वह आखिरी कुरुंबल से चढ़ गए उतले पासे। शेर जिहड़ा ना एक बार तो मारिया, दोवें चीका मारन लग पे जी, घबरा गए, पसीनो पसीनी हो गए उन्हें भी अज असी मर गए। तो थलों ना शेर ने कहा कि तुहानू नहीं पता मैं कौन, उन्हें कहा नहीं, उन्हें कहा मैं जंगल का राजा हाँ, तो तुम मेरी की गुस्ताखी, तो दुख गुस्ताखी ताड़ी इदा तक खत्म होगी जिन्ना चर मैं तुम्हें खा ना लिया। तो वह बहुत घबरा गए, तो घबराहट के ना शेर फिर पिछे हट के ना दोबारा वापस आता, आ मैं छलांग मार के फटदा। तो इन्हें ना वो जराफे का भी नज़र पै गई कि इन्हों की जान बड़ जी ना जी खतरे च, तो वह भज के आया, भज के आया ना, तो दरख्त के उत्ते आन कह लगा वे जल्दी जल्दी मेरी ना गर्दन पर बह जाओ, मैं तुम्हें भजा देना इतों। तो शेर जाना ना हले पिछे स्टार्ट लैन जा रहा भी मैं स्पीड जावगा, जद नू ना उन्होंने दवा दब दोवें जराफे दे बैठे गर्दन ते, ते ओ लैके टुर पे भज पे। मगर वो जो उन्होंने पता लगा ना भी जराफा भजा जा रहा, तो इनू की गल हुई, मैं तो कुछ नहीं किया शेर कह रहा। शेर ने वेख्या तो दोवें बंदर ही कौन उत्ते, उन्हें कह लिया भी है तो बंदर लैके भज रहा, वह भी मगर मगर। तो उन्हें आख्या वो हले घबरा रहे दोवें जने, उन्होंने कहा भी तू घबरा ना, तो मैं नहीं फड़ींदा ये बच्चे अपना हले शेर जरा नहीं फट सकता अपना, अपने तरह ही बड़ी लम्बी ने, तू टेंशन ना ला। तो वो भाई वाकई वो गल हुई कि उन्होंने ना फड़ीजा ही नहीं, तो महफूज तरीके दे नाल ना आपदे जड़े ना पिछे वापस आ गए। तो गल करन दा मकसद सी भी किसी की जड़ी होवे ना चीज़ अल्लाह ने बनाई होवे ते उन्हों दा ना मजाक नहीं उड़ाईदा हुंदा। तो देखो ना उन्हें मजाक उड़ाया, उन्हें गुस्सा किया भी तू एडा लम्मा चौड़ा है, तो लेकिन गल ये कि उही काम आया,
ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਈਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਨੀ ਕੁ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।